राजा हिंदुस्तानी मूवी में एक सीन यहाँ से लिया जाता है, जब करिश्मा कपूर, आप ये सीढ़ी देख रहे हो, इस दीवार दिखेगी, यहाँ से डांस करती हुई उतरती है नीचे, तो आपको ये डैम की जो दीवार है ये दिखती है। और देखो स्क्रीन शॉट में आप इस लाइट को, अभी भी लाइट लगी हुई है, इस लाइट को मैंने का सीन लिया जाता है। तब वो इधर से डांस करती है, ये जो आपको ये पेड़ दिख रहा है ये शायद ये फूलों वाला लाल ला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों उम्मीद है सब लोग अच्छे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ राजा हिंदुस्तानी मूवी का गाना, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी कर देखता रहूँ, उस गाने की लोकेशन। और एक विजय पथ मूवी का एक गाना है जिसका नाम है राहों में उनसे मुलाकात हो गई, उन दोनों गानों की शूटिंग लोकेशन इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, कर्नाटक के मैसूरू शहर में एक जगह है जिसका नाम है वृंदावन गार्डन, KRS डैम के पास में, तो वहाँ पर इन दोनों गानों की शूटिंग की गई है। पूरे गाने तो शूट नहीं किए हैं, कुछ कुछ सीन लिए गए हैं, जैसे कि राजा हिंदुस्तानी में वो आता है ना सीन गाने का, अंबर से आई है परियों की रानी, देख उसे होती है सबको हैरानी, वो वाला जो फवारे चलते हैं वो दिखाने वाला हूँ। और जो विजयपथ मूवी का जो गाना है जिसमें नाइट का सीन आता है, जो वो जो फवारे हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं रात में, तो अभी रात का तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, मैं दिन में ही दिखाऊँगा आपको, पर वो लोकेशन में दिखा दूँगा आपको। दोस्तों मेरा नाम मनीष है, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप यहाँ पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वृंदावन गार्डन का नज़ारा दिखाता हूँ, फिर हम गाने के जो सीन है वो दिखाएंगे। वृंदावन गार्डन की हम अगर बात करें तो ये शायद एक ऐसा इकलौता गार्डन है जो इस दुनिया में बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। ये नज़ारा देख रहे हैं आप, वृंदावन गार्डन मैसूरू का नज़ारा देख रहे हैं, और ये इसके पीछे है KRS डैम। ये KRS डैम के जस्ट बगल में ही है, और यहाँ पर देखो ये केली के फूल हैं, केली के फूल, इनके अंदर फूल नहीं आए हैं, और यहाँ पर चल रहे हैं इधर फवारे, और यहाँ पर इसकी देख रेख के लिए काफ़ी मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं, और जो बहुत ही अच्छा अपना काम को बहुत ही ईमानदारी से साफ़ सफाई से करते हैं। और ये देखो ये पेड़ है शायद मोर पंख के, जो बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मूवी के बारे में जहाँ पर सीन लिए गए थे। सबसे पहले हम आपको ये फवारे दिखाएंगे, जब राजा हिंदुस्तानी मूवी का गाना होता है ये फवारे हैं इनके पास में ही होता है, तो चलिए सीन टू सीन कंपैरिजन करते हैं। गाइज एक सीन यहाँ से भी लिया जाता है, जो ये फवारा चल रहा है तो करिश्मा कपूर यहाँ पे भी डांस करती है, जब ये बैकग्राउंड में ये फवारा दिखता है, और उधर की साइड में आमिर खान खड़ा रहता है। तो अभी हम लोग इधर को चलना है हम लोगों को, और यार थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ का डर लग रहा है, क्योंकि ये जो फवारे हैं ना ये क्या है कि इन पर किसी का जोर नहीं है, तो ये हवा की तरफ से मतलब जिधर हवा चलती है उधर ही अपना रुख बदल लेते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ से एक सीन लिया जाता भाई, जो ये फवारे चल रहे हैं आप इनको देखिए, ये बिल्कुल स्क्रीन शॉट में आप मैच कीजिए तो, और पीछे आपको एक वो लाइट दिखेगी यहाँ पर, ये गमला टाइप की लाइट बनी हुई है एक, तो ये दिखेगी आप लोगों को। तो यहाँ पर वो गाना का वो बोल होता है कि अंबर से आई है परियों की रानी, देख उसे होती है सबको हैरानी। तो इधर की साइड से उस तरफ करिश्मा कपूर डांस करती रहती है, कुछ इस तरीके से वो सीन है जो कुछ इस तरीके से आता है, इस फुटपाथ पे चलती रहती है वो बारिश आ रही है भाई, बारिश क्या ये फवारों की बारिश है। तो फिर वो यहाँ तक आ जाती है, फिर क्या होता है पीछे के वाला वो जो उसको दिखाया जाता है, ये जो लाइटें लगी हुई हैं इनको दिखाया जाता है, और पीछे का जो राउंड शेप में वृंदावन गार्डन है उसको दिखाया जाता है। बाकी ये फवारे उस टाइम पर पूरे चला दिए गए थे, उधर के फवारे हैं उनको भी दिखाया जाता है, और यहाँ से जो ये फवारे लगे हुए हैं, और सॉरी ये जो जितने फवारे हैं ना, ये भाई कैमरे पे पानी आने लग गया, ये फवारे हैं जो इन सबको चला दिया जाता है उस टाइम मूवी के टाइम पर। यहाँ पर ये जो जगह है ये एंटर करते ही आपको ये जगह दिखेगी, पर अभी क्या है देखो ये फवारे सारे मतलब इनका जो प्रेशर है वो डाउन कर रखा है, ऊपर नहीं चल रहे, क्योंकि यहाँ पे ये लोग सफाई कर रहे हैं। वो वाला फवारा बहुत तेज चल रहा है, वो वाला,
दोस्तों यहाँ पर सीन तो काफ़ी सारे लिए गए हैं, पर ये एक ही तरीके, मतलब जो ये फवारों वाला ये पूरा ये यहाँ पे ये चैम्बर बना हुआ है जहाँ पे ये पूरे फवारे लगे हुए हैं, बस इसी जगह पर बार 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 इधर भी इधर डांस किया जाता है गाने के अंदर। तो ये आप देखिए पूरे फवारे। तो अभी हम लोग क्या है कि साउथ वाले गार्डन में आ गए हैं। अब यहाँ पर जो सीन लिए गए थे वो दिखाऊंगा आपको मैं, और इस छतरी के अंदर अभी जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ तो इसके अंदर भी सीन लिए गए विजय पथ मूवी के सॉन्ग के। तो चलिए पहले हम देखो इस गार्डन को देख लेते हैं। ये वाला जो गार्डन है ये साउथ गार्डन है, और वो वाला जो हमने दिखाया था आपको वो नॉर्थ गार्डन है। देख लो भाई बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा सीन है। तो विजयपथ मूवी में इनको दिखाया जाता है, ये रेलिंग वगैरह है जो, इसको भी दिखाया जाता है, इस छतरी को भी। तो अभी क्या है कि अचानक से बारिश आने लगी है, तो फिर हम बारिश बंद होने का इंतज़ार करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। वो बीच में आपको काफ़ी सारे फुहारे दिख रहे होंगे वो दिखाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ से गाने का सीन लिया जाता है, तब वो इधर से डांस करती है। ये जो आपको ये पेड़ दिख रहा है ये शायद ये फूलों वाला, लाल लाल फूलों वाला, इस पेड़ को दिखाया जाता है। और इधर वाली जो रास्ता है ये वाला रास्ता, इसके ऊपर से अजय देवगन चलता हुआ आता है। तो और आपको बीच में ये जो बीच में फवारा है, इसके बीच में एक छोटा सा कुछ बना हुआ है स्क्रीनशॉट में, वो दिखेगा आपको। तो आप स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हो पूरा। और बाकी अभी हम चलेंगे उधर फवारों की तरफ, पहले हम लोग एक बार नीचे चलते हैं, नीचे से जो ऊपर का सीन लिया गया था वो दिखाएँगे आप लोगों को। तो यहाँ से भी देखो एक सीन लिया जाता है, अजय देवगन जब तब्बू डांस करती रहती है तो उसको देखता है। तो कुछ इस प्रकार से एक सीन लिया जाता है जब ये छतरी दिखती है, और ये जो छतरी के है ये जाली लगी हुई है ना जो, ये दिखाई देती है छतरी के। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं उधर जहाँ पर वो पूरे फवारे चला दिए जाते हैं और नाइट का सीन होता है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी एक सीन आता है जब ये पूरे जो फवारे हैं वो चला दिए जाते हैं और लाल लाल हो जाते हैं वो पूरी लाइट से। ये लाइटें बहुत अच्छी हैं यार, ये छतरी टोपी टाइप वाली लाइट, ये उसी टाइम की लाइट लगी हुई है। देखो ये वाले वो फवारे हैं जो पूरे एक साथ चला दिए जाते हैं, और जो ये लाइटें इन पर लगी हुई हैं तो ये पूरी एकदम झमाझम झमाझम भाई झमाझम लाल सुरख हो जाती हैं लाइट। ये वाली फुहारे हैं भाई, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा देख लेना आप लोग। अभी क्या है कि ये पूरे मतलब पूरी रफ्तार से नहीं चला रखे हैं, और दिन का टाइम है ना इसीलिए। दोस्तों राजा हिंदुस्तानी मूवी में एक सीन यहाँ से लिया जाता है, जब करिश्मा कपूर ये जो आप ये सीढ़ी देख रहे हो, इस दीवार आपको ये दीवार दिखेगी, यहाँ से डांस करती हुई उतरती है नीचे, तो आपको ये डैम की जो दीवार है ये दिखती है। और देखो स्क्रीनशॉट में आप इस लाइट को, अभी भी लाइट लगी हुई है, इस लाइट को मैच कर सकते हो, और ये दोनों लाइटें दिखती हैं, एक लाइट ये वाली लाइट भी दिखती है, ये वाली लाइट भी। और अभी हम लोग क्या है कि जो ये फवारे हैं इनको देखेंगे। यहाँ पर एक सीन लिया गया था करिश्मा कपूर और आमिर खान दोनों जब वो डांस करते हैं, तो शायद उधर की साइड से सीन लिया जाता है। रोड है ये जो, इसके चारों तरफ ये छोटी सी रास्ता बना हुआ है, तो इस पर वो दोनों लोग डांस करते हैं। तो फिर बैकग्राउंड में आपको ये पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ दिखाई देते हैं, और यहाँ पर वो सीन फिल्माया जाता है। और एक नीचे फिल्माया जाता है नीचे वाली उस पर, तो उस पर चलते हैं। अभी यहाँ पर कटाई करके गया था एक बंदा, ये जो घास है यहाँ की जो घास है कुछ अलग तरीके की घास है, इसकी कटाई कर गया था एक इलेक्ट्रिकल मशीन से। देखो एक बार यहाँ से नज़ारा देखो इसका, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जब ये रात के समय में चलता होगा तो कितना प्यारा लगता होगा, बहुत ही प्यारा लगता होगा भाई। तो यहाँ से लिया जाता है एक सीन, ये फवारे चलते रहते हैं, और ये आप स्क्रीनशॉट में इसको देखोगे ये फवारे चलते रहते हैं, और आमिर खान शायद यहीं पे खड़ा रहता है। तो दोस्तों ये था राहों में उनसे मुलाकात हो गई, और कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, राजा हिंदुस्तानी और विजयपथ मूवी के गाने की शूटिंग लोकेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना,
बाकी मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, लव यू। और एक बार आप ये नज़ारा और देख लीजिए भाई, ये छोटा सा पेड़ है पूरा एकदम गोल मटोल, यहाँ पे फूल लगे हुए हैं बढ़िया बढ़िया। और ये वाला पेड़ देखो, गोल मटोल एकदम प्यारा सुंदर, एक वाला, एक ये वाला।